सर बढ़िया एकदम से। औसम आपके पास आए और सफर खराब हो जाए, चांस ही नहीं है। ये क्या बात। गुड मॉर्निंग गाइज, आज है पहला ब्लॉग और पहला ब्लॉग के अंदर हम जा रहे हैं रॉकी वर्मा जी के घर पे। उन्होंने कुछ सामान मंगाया बेसिकली हमसे, तो जस्ट उसी को लेके और कुछ उनसे कुछ बातें भी थी जो कि आप लोगों को जल्दी पता लगेगी, आई थिंक आपको पता लग चुकी होगी अब तक। तो जस्ट उसी के लिए हम जा रहे हैं करनाल। अभी पहले जाऊंगा ऑफिस, उसके बाद वहां से फिर हम जाएंगे अभिषेक को पिक करेंगे एंड अभिषेक और मैं दोनों जाएंगे, ठीक है। तो कंप्लीट व्लॉग देखना है क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, बहुत सारी बकचोदी होने वाली है व्लॉग के अंदर। तो चलिए विदाउट फर्दर डू पहले चलते हैं ऑफिस। सो गाइस अब जा रहे हैं ऑफिस की तरफ और आज फर्स्ट व्लॉग है अपना, तो डेफिनेटली आपको ऑफिस का तरफ टूर कराना बनता है जहाँ से आप लोगों की सेवा की जाती है। तो आपको छोटा सा ऑफिस है मेरा एक, दिखाऊंगा आज एंड जस्ट उसी के माध्यम से आप लोगों को चीज़ें हम पहुँचाते हैं। कोशिश करते हैं कि आप हैप्पी रहें और आपको चीज़ें लेके एक अच्छा अनुभव हो। सो चलिए चल रहे हैं पहले ऑफिस। और फाइनली मैं पहुंच गया हूं ऑफिस और ये मेरी डार्लिंग मेरे से पहले आके यहाँ पे वेट कर रही है, मेरा खुद से वेट कर रही है। पहले व्लॉग का पहले इंप्रेशन, डार्लिंग और मैं जाने वाले हैं वर्मा जी घर पे। तो चलिए पहले सामान लेते हैं, उसके बाद उससे पहले आपको ऑफिस दिखाते हैं। अब आपको ऑफिस विजिट कराते हैं अपना। सो ये हैं कुछ हमारे मार्गदर्शक जिनसे हम इंस्पायर होते हैं। ये ऑफिस के जस्ट सामने ही आपको मिल जाएंगे मिस्टर ओशो, और ये हैं जिनके साथ आज हमारा मीटअप है मिस्टर वर्मा जी, एंड ऊपर हैं कुछ थॉट्स आप लोगों के लिए। वक्त सबका बदलता है, ठीक है, अपना ही बदलेगा। सो हम आ चुके हैं फर्स्ट फ्लोर एंड ये रहा आप लोगों का चमकता हुआ लोगो टावर म्यूजिक और लिखा हुआ है पुल। और मैनेजर साहब, ये हमारे मैनेजर साहब हैं मिस्टर राज, टावर म्यूजिक के मैनेजर से। हाय राज, जय श्री राम। ये राम भक्त हैं बेसिकली। तो ये हमारा छोटा सा ऑफिस। अरे अरे रहीसी तो भाई मैनेजर साहब में कुट कुटे भरी है, देख रहे हो, मोटी चैन मोटो पैसा। और ये हमारा छोटा सा ऑफिस जहाँ से हम आप लोगों की सेवा करते हैं बेसिकली। मेनली हमारा मेन स्टिंग ही होता है, वैसे हमारे पास अभी दो से तीन लोगों का स्टाफ था लेकिन अभी प्रेजेंट हम केवल मैनेजर साहब के साथ वर्किंग है और यहीं से आपकी सेवा करते हैं हम। चलिए आपको दिखाते हैं कुछ यूनिक चीज़। गदर फिल्म की सक्कू की याद आई। और अब हम हैं रेडी बिल्कुल रॉकी रोमारी के पास निकलने के लिए। और ये है मेरी डार्लिंग, ये इनको कॉल कर रही है। आया जल्दी आया। आ रहे ना, दोबारा मिला रिस्क लगानी तो। अयो जवा आयो रे ना जवा जवा। तो मैंने साहब आपको आपका काम पता है आज का, ठीक है। तो अभी हम पूजा करते जल्दी से और उसके बाद निकलते हैं। चले इसे कुछ दो को यार। एक चीज मिसिंग थी जो आपको दिखानी जरूरी थी शायद, कि क्यों हम वर्मा जी के पास जा रहे हैं और क्या लेके जा रहे हैं। मीटिंग भी है, वो तो खैर एक पर्सनल प्रोस्पेक्टिव हो गया हमारा, लेकिन उससे पहले हमें एक उनको एक बैग देना है। तो आपको बैग दिखा रहे जल्दी से, राजीव बैग खोलो फास्ट से, खोल दे मेरा भाई राज जल्दी बैग। ये देखिए ये वो बैग शानदार सा, खोलो से जल्दी से इस पर के खोल दो जल्दी से, दिखा दो। ये बेसिकली एक स्टैंड बैग है जिसमें आप बहुत सारे स्टैंड रख सकते हो और इसमें एक व्हील भी आपको मिलता है। ये डेड बॉडी आ जाएगा इसमें, डेड बॉडी आएगा आराम से बच्चे का, लेकिन पर बच्चों को अपन लोग हाथ नहीं उठाते। चलिए
आपको दिख गया, जल्दी से अब चलते हैं लेके। बहुत गंदी वाली गर्मी लग रही है, गाड़ी में जस्ट बैठे हैं अभी और ठीक है अब निकलना है जल्दी से, बस बहुत गर्मी लग रही है, इस थोड़ा टाइम लगेगा शायद कूल करने में गाड़ी को। तब तक के लिए कैमरा लौंडे पे हैंड ओवर। क्यों देख गधा क्या कर रहा है एसी ले रहा सो वापस से हम आ चुके हैं फ्यूल पंप पर। आपको एक बहुत ही अजीब वगैरह घंटा दिखाते हैं हमारे साथ क्या हुआ है। देखो देखिए अभिषेक भाई चलाओ ये किसी भाई का ब्लूटूथ कनेक्ट हो गया है, किसी भाई का ब्लूटूथ कनेक्ट हो गया गलती से। यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं शायद इनमें से किसी का एक का ब्लूटूथ हो चुका है कनेक्ट हमारी गाड़ी में, और कोई मूवी देख रहा है मेला सुनो एक भैया तू जा सैया आशिक है तेरा सीरियसली यार लोग मेला मूवी देख रहे हैं। तुझे दिल लगी भूल जानी पड़ेगी इसको तो बताना जरा मेरी बाहों में आकर तो देखो। मत देखो मत देखो ये पका देगा। वैसे हमारे साथ भानु आने का सोच रहा था पर भानु को थोड़ी सी इंजरी है पेट में भी, पेट में इंजरी है हाँ, इसलिए वो अभी सफर कर रहा थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए। और उतार दी सीट बेल्ट और यहाँ हमारे चाचा प्रधान है, कोई दिक्कत नहीं है। चाचा की खेती अरे ढो रहती तभी मैं बोल रहा था भैंसा तो आप गाड़ी गैस करके बताओ कौन सी गाड़ी है ये। ना मत करो गैस क्योंकि स्टार्टिंग में इन लोगों ने देख लिया है फिर आप लोगों के पास ऑप्शन है कमेंट कर दो हाँ जिसके पास कौन सी है कार जिसको बोलते हैं वैगनार अब तू बोलता है यार कछुआ कछुआ है क्या सारी गाड़ी है इनको पता नहीं है कौन जा रहे गाड़ी में पीछे गाड़ी किसकी है आधार नहीं है ना इसलिए ये सब हो रहा है तो यहाँ लगते हैं इधर वाले लाइन में इधर वाले लाइन में तो फिर तो आते ही डल जाता एक सैल्यूट लगता चलो अब की बार लाएंगे था पकड़ बच्चा पकड़ बच्चों को और ये हमारे साथ साथ हमेशा चलते हैं जो अंकल हमारे दादा बप्पा चश्मा पहना रखा है मैंने इनको देख रहे हो टोरा हमारे भगवान का टोरा है टोरा। देखिए लाइन देखो हम आ चुके हैं हमारे आगे दो गाड़ी और बची हुई है फ्यूल डलाने के लिए और हमसे पीछे देखो अभी कितने लाइन लग चुकी है एक दो तीन चार पाँच छः सात हैं कतार में सात नहीं है ज़्यादा है बड़े जो मैं शीशे में दिख पा रहा हूँ मैं सात बता रहा हूँ वो आठ हाँ इसकी बात इसकी बात को बुरा मत मानना इसको पढ़ने लिखने थोड़ा कम आता है बाइक वाले सिंगल लाइन मैं बोल रहा हूँ इसकी बात को बुरा मत मानना थोड़ा कम पढ़ लिखा ज़्यादा पढ़ लिया तो मैं हाँ। जो मूवी चलने वाला है ना वो भोजपुरी भाइयों के लिए देखो बना हो कोई नहीं अपना जगतिया में कोई नहीं अपना मुगल कसार बानोई हो जगतिया में कोई नहीं अपना ये तो मैं भी शूट करूँगा। 5 दिनों के बाद अब हमारे नंबर आ गया सीएनजी पंप पे 50 दिन से लाइन में लगे हुए थे उतर गए हम गाड़ी बाहर ये है अपनी जीटी मस्टैंग मींस वैगनार 246 एक किडनी बेच दिया मैंने तो ये गाड़ी आ गया। ये हमने मथुरा रोड मेन हाईवे और देख सकते हो आप बादल कितने प्यारे लग रहे हैं। फरीदाबाद का रोड जो कि आपको कनेक्ट करता है सीधा टावर म्यूजिक के साथ इस वाले रास्ते से सीधा टावर म्यूजिक पर जाकर रुकोगे बड़ा सा बोर्ड जाएगा आपको बल्लगढ़ पहुंचते ही हाईवे पे। और उससे भी बड़ी बात ये है हमारा फैशन पॉइंट जैसे हम अक्सर शॉपिंग क्या करते हैं एक आउटलेट सा देखते हैं स्टूडियो का एंड एडिडास का
दीज आर आर आउटलेट्स शॉपिंग करते हैं करनाल रोड हमें टिकट चुके हैं और पिछले 10-12 किलोमीटर से हमें पानी की बोतल नहीं मिली पूरे रोड में चली 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 सो फाइनली इतनी लंबी दूरी तय करने के बाद लंबी दूरी तय करने में वक्त तो पक्का लगा है सोनीपत बेटे पहुंचे भी नहीं है अभी तो कहाँ जी रहे हो आप अब नए नए सी हो गए ये भाई साहब ने दो स्पीड के जो कैमरे होते हैं वो क्रॉस कर दिए मेरे पापा को मेरे पापा बहुत अमीर है घर जाते ही मेरे को देंगे मार सो गाइस ये मिस्टर भोपू पहली बार गाड़ी चला रहे हैं सफर में ढिल चलाते हैं आज बिल्कुल चला रहा है जिसको भी सिखा दी गाड़ी ताकि मुझे रेस्ट मिल सके सिखा दी किसने सिखाई है ताकि मुझे रेस्ट मिल सके सिंपल से बात ये है किसने सिखाई है गाड़ी खुद सीखी है मैंने जा जा के समझ रहे हैं ये जीपे करता है कर सकता है हंस क्यों रहा है हंसो मेरी मौत का तमाशा देखने आया था हंसो के पास हम पहुंच चुके हैं और ये उनके बड़े भाई शायद छोटे भाई हैं हेलो एक सेकंड गाड़ी को लगाना पड़ेगा ढंग से ठीक है गाड़ी को ठीक है मुझे करना पड़ेगा सो वर्मा जी के एक शानदार सा गिफ्ट जो हम लेके चले थे वहां से वो तो लेके चलना पड़ेगा साथ में पहले ही वरना वर्मा जी इंप्रेस कैसे होंगे नहीं नहीं अभी लॉक कर सकते हैं हम ये नाइस कैच आई थिंक लॉक्ड है फोन करें रिंग करें रिंग तो शायद नहीं हो रहा है खुला है क्या खुला है हम इधर से एफर्ट लगा रहे थे कि खुला नहीं है और ये मिल गए बड़े भाई हेलो ब्रदर कैसे हैं आप बढ़िया भाई कहाँ सर नीचे ऊपर नीचे देखना पड़ेगा शायद लॉकडे हेलो आंटी सो मॉम मिल चुकी है सर के मॉम कब आए हो जस्ट अंदर आओ अंदर ओके तो सर है अंदर आओ तुम्हें भी ले चले कहाँ जिम ओके आइए बड़े सर से मिलने इसका वाला शायद से उस्ताद जी कर रहे हैं रियाज उनको करना पड़ेगा सर खोल दो गेट खुला हुआ भैया नहीं खुला हुआ आप वाला आपका स्टूडियो वाला ऑफ है थैंक यू सर सो कितने टाइम से हम वेटेड थे सर से मिलने के लिए मजा आया चलिए सो फाइनली उस्ताद जी के घर पहुंच गए हम मतलब लिटरली मजा आया सच्ची में मजा आया
सर थे रियाज पे, इसलिए उनको हमने ज्यादा डिस्टर्ब नहीं किया, बट फिर भी बहुत कर दिया है। देखिए यही वो ब्रांड है, यही वो नेम है जिसको सभी लोग जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। और सब ठीक है? सर बढ़िया एकदम से। औसम आपके पास आए और सफर खराब हो जाए, चांस ही नहीं है। ये क्या बात, वेलकम होम। थैंक यू नाम ही काफी है। कहा गया था कि इस लेवल को मेंटेन करने के लिए कम से कम 10 से 15 घंटे रियाज चाहिए होता है, और जैसे हम एंटर किए टू बी ऑनेस्टली सर रियाज करते हुए मिले थे हमको। तो ये मेंटेनेंस का जो रीजन है ना, वो बेसिकली रियाज या और कुछ है नहीं, जितना रियाज करोगे उतना ही रियाज करोगे। क्या बात है, लगे रहना जरूरी है सर। आपके पास आने के बाद ना शब्द खत्म हो जाते हैं हमारे। ठीक है, जितना करो सबके लिए बेनिफिशियल है। मतलब मैं भी फ्री बैठा था, मतलब तो ये लोग आए थे तो नहीं बैठा हूँ, थोड़ा दिन फ्री था, सोचा रियाज किया जाए जी। जब टाइम नहीं मिलता तो चलो जेन्युइन प्रॉब्लम है, राइट राइट, टाइम हो तो फिर। और आप जैसे तो इस टाइम के लिए ही तरह की खास प्रैक्टिस करने को मिल जाए। अभी मजा आएगा ना वीडियो। इसमें मैं एक पैड आया 30, इसमें आएगा मेरे से 40। बहुत बढ़िया क्वालिटी, तो यार नेक्स्ट लेवल ही। तुम जो यूज कर रहे हो, मैंने इतने यूज मैंने बैग यूज किए अभी तक के मेरी लाइफ के बेस्ट बैग। इसमें मच्छर खा सकते हैं, बहुत बढ़िया। और स्टैंड्स के लिए बहुत ज्यादा सीएसपी है ना, क्योंकि जैसा लोहे का मटेरियल हम लोग डाल देते हैं, स्टैंड के अलावा भी हम काफी कुछ इसमें रख सकते हैं, जैसे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये तनवर टेक्निकल म्यूजिक की तरफ से बना, ऑलवेज बेस्ट 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 लेवल। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। फाइनली सर के साथ मीटअप था, वो हो चुका है डन, बहुत अच्छा रहा। और ये दोनों भाई मेरे आए इतनी दूर से मिलने, मुझे बहुत खुशी हुई इस चीज़ की। आप लोग जल्दी से वो आने वाली है सीरीज वो जरूर देखें, और मैं खुद एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं नींद में जाके शूट करके आया, नींद में जाके इसको इंटरव्यू देके आया था सारा। जी 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 जी, थैंक यू सो मच गाइस। सर के साथ आपको कैसा लगा मिलना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू, ओके।
सो गाइज अभी फाइनली मीटअप हो चुका है वर्मा जी के साथ में एंड लिटरली बहुत ज़्यादा मजा आया। अंदर की बातें, दिल की बातें, बिजनेस की बातें, सारी बातें हुई। सारा कुछ हमने मतलब वीडियो में कैप्चर नहीं किया है लेकिन जेन्युइनली बहुत ज़्यादा मजा आया। वर्मा जी जितने बड़े आर्टिस्ट हैं उतने ही डाउन टू अर्थ भी हैं और गजब यार, मतलब बहुत ज़्यादा मजा आया सच्ची में। सो फाइनली गाइज बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके हैं, मतलब कम से भी कम 400 से 450 किलोमीटर गाड़ी चलाई है और बहुत गंदे वाले थक चुके हैं, बहुत गंदे वाले। एंड आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा, फर्स्ट व्लॉग था, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए क्योंकि चैनल जस्ट रिसेंटली ओपन किया है एंड आप लोगों का सब्सक्राइब करना बनता है। और इनफैक्ट अगर आप चाहते हैं ऐसे ही आर्टिस्ट से हमारी मुलाकात होती रहे या फिर हम किसको क्या सेल आउट करते हैं या फिर हम कैसे कैसे प्लानिंग्स करते हैं या फिर क्या नया आने वाला है, किस आर्टिस्ट के बारे में हम आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, सब कुछ आपको इस व्लॉग चैनल के माध्यम से ही मिलेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं उसके लिए और जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ आप शेयर भी कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग एंड बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।